कैसा है जैस्मिन और अली का दो फोन। जी हाँ, हाल ही में गाना जो है रिलीज हुआ और ये गाना जो है रिलीज होते साथ नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा है। अगर बात करें नेहा कक्कड़ की आवाज़ की तो वाकई में नेहा कक्कड़ ने जादू कर दिया। और जैस्मिन और अली की बात की जाए तो जैस्मिन और अली की जो केमिस्ट्री है वो इस गाने को और खूबसूरत बना रही है। और गाना है कि दो फोन है लेकिन तू उठाता एक भी नहीं, तो जैस्मिन और अली की नोकझोंक इसमें देखने को मिल रही है देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे। ये दो घंटे पहले रिलीज हुआ, 480K इसको व्यूज है और कुछ समय पहले तक ये नंबर दो पर ट्रेंड कर रहा था। और कमेंट्स की मैं बात करूं तो लगातार लोग जो हैं इन दोनों की केमिस्ट्री की, यानी कि अली और जैस्मिन की केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। सेटअप बहुत ही खूबसूरत किया है, इस गाने को देख कर समझ में आता है डे नाइट शूट किया हुआ है। और जो सेटअप है, जो पूरा सेट लगाया गया है वो बहुत खूबसूरत है। रात के सेटअप में पूरी लाइटिंग की हुई है और ये समझ में आता है कि इस गाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है। तो ये गाना बहुत ही मज़ेदार है, एक नोकझोंक की तरह है। और अली और जैस्मिन आप सभी जानते ही हैं कि बिग बॉस 15 में इनकी केमिस्ट्री जो है देखने को मिली थी। और लगातार अगर आप रोज भी देखते होंगे तो इनके लगातार वीडियो रोज़ सोशल मीडिया पर आते हैं। लोग पैपराजी जो है इनको अपने कैमरे में कैद करती हैं और किस तरीके से ये लोग हंसकर प्यार से इन सबसे बात करते हैं और जिस तरीके से समझ में आता है कि वाकई में अली और जैस्मिन की जो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। और वही चीज़ इस गाने में देखने को मिल रही है। नेहा कक्कड़ की इसमें आवाज़ है, देसी म्यूजिक फैक्ट्री का गाना है, म्यूजिक है रजत नागपाल का और गीत लिखा है कप्तान ने। गाना बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा? और मुझे इस गाने में सबसे अच्छा लगा जैस्ली की केमिस्ट्री के बारे में। तो आपको कैसा लगा ये गाना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।